देखो आप, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर ऑन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, मैंने पहले से ही कुछ इसके अंदर टर्म्स लिखा हुआ है। इसके क्या चीज है इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं कि क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या टर्म्स है। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। पहले हमें ये जो मैंने हेडिंग लिखा है इसको समझना पड़ेगा। मैंने लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर ऑन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो इशू का मतलब समझना होगा कि इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है। इशू का मीनिंग है कि मान लो, सपोज करो कि मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं। सपोज दैट मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं, तो मैंने 100 रुपीज जो आपसे रिसीव किया है और बदले में मैं आपको इस 100 रुपए के डिबेंचर सर्टिफिकेट दूंगा, तो इसका मतलब मैंने डिबेंचर इशूड कर दिया। यहां तक का तो मीनिंग समझ में आ गया, इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन आगे क्या वर्ड है इसको भी देखना पड़ेगा। एज पर रूल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, लॉ के हिसाब से, जब कभी भी मैं आपसे पैसे लूंगा, सबसे पहले तो जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी, कर्जा एक तरीके से। जब भी मैं आपसे डिबेंचर के पैसे, यानी मैं आपसे जब कभी भी पैसे उधार लूंगा अपने कंपनी के लिए, सपोज दैट मैं कंपनी बता देता हूं एक्स वाई जेड लिमिटेड, अगर मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के लिए पैसे उधार लेता हूं, तो लेने के बाद आप मुझसे दो क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन नंबर वन, कि ये पैसे मुझे वापस कब मिलेंगे? यानी मैं आपसे जो पैसे, कंपनी ने आपसे डिबेंचर होल्डर से जो पैसे लिए, कितने पैसे लिए? मैं एग्जांपल के लिए 100 रुपीज मांग रहा हूं। 100 रुपीज जो लिए हैं, आपका क्वेश्चन क्या अराइज होगा? डिबेंचर होल्डर का अराइज ये होगा कि आप, यानी कंपनी, आप मेरे पैसे रिटर्न कब करोगे? यानी डिबेंचर होल्डर जानना चाहता है कि किस टाइम में रिटर्न, ड्यूरेशन कब रिटर्न करोगे। रिटर्न का मतलब समझ में आ रहा है कि मेरे पैसे जो 100 रुपए ले रहे हो, कभी ना कभी तो वापस करो मुझे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन माइंड में आएगा, किसके माइंड में आएगा? डिबेंचर होल्डर के। हां जी, देखो, जैसे कि ये कंपनी ने एक पर्सन है जिससे मैंने 100 रुपए लिए थे, 100 रुपीज लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने अराइज किया कि मुझे पेमेंट कब दोगे, रिटर्न आप। दूसरा क्वेश्चन आप अराइज करोगे, सर मेरे पैसे वापस कितने मिलेंगे? 100 के 100 ही रिटर्न मिलने वाले हैं या 100 से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? यानी दो क्वेश्चन अराइज होगा। मैं टाइम फैक्टर को भी हटा दूं अगर, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मेरे 100 रुपए जब मैं आपको उधार दूंगा, इंटरेस्ट नो डाउट आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा इंटरेस्ट, लेकिन 100 के बदले में मेरे वापस कितने मिलेंगे? 100 रुपए मिलेंगे या 100 से ज्यादा मिलेंगे? तो ये सारी बातें मुझे, अब सपोज करो आपने मुझे एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देता हूं 5 ईयर, कि मैं आपके पैसे 5 ईयर बाद रिटर्न कर दूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन तो पेंडिंग ही रह गया। फिर बोलोगे कितने वापस होगा? फिर मुझे बताना पड़ेगा मैं 5 साल के बाद आपके पैसे 100 रुपए ही रिटर्न करूंगा। यानी आपने 100 रुपए दिया और आपके 5 साल बाद 100 रुपए रिटर्न करूंगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर फिर देगा क्यों वो 5 साल के लिए? हर साल इंटरेस्ट जो मिलेगा उसे, एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट के साथ देगा वो, हर साल अगर 10% है तो 10-10 रुपए करके मिलता रहेगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट आता है ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का मतलब, टर्म्स का मतलब कंडीशन। जब मैं आपसे पैसे लूंगा डिबेंचर के फॉर्म में, तो मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा कि आपके पैसे कब मैं वापस करूंगा, यानी कब मैं रीपेबल करूंगा। रीपेबल मतलब दोबारा वापस करूंगा, और कितना मैं रीपेबल करूंगा। और रीपेबल को दूसरे वर्ड में, अकाउंटिंग वर्ड में यूज करते हैं रिडेम्पशन। तो यहां पे वर्ड क्या है हमारा? इशू डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन।
ऑफ डिबेंचर ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब जिस दिन मैं इशू करूंगा उसी दिन ये कंडीशन रखूंगा कि आपके पैसे 5 साल बाद वापस किए जाएंगे या 2 साल बाद वापस किए जाएंगे और कितने वापस होंगे उसी टाइम बताना पड़ेगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट एक आया इशू का मतलब। इशू का मतलब जब मैं आपसे पैसे रिसीव कर रहा हूं तो उसे इशू ऑफ डिबेंचर बोला जाएगा। व्हेन मैं आपके पैसे रिटर्न करूंगा तो उसे हम बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलेंगे, उस सिचुएशन में बोलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखते हैं आगे, इशू ऑफ डिबेंचर हो गया हमारा रिडेम्पशन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम्पल के हिसाब से आप बताना कि ये इशू ऑफ डिबेंचर का एग्जाम्पल है या रिडेम्पशन का। मैंने बताया मैं आपसे 100 रुपए रिसीव करूंगा, बताओ ये इशू है 100 रुपए में या रिडेम्पशन है। इशू, तो मैं आप बोलोगे इसे इशूड एट पार। एट पार का मतलब, एट प्रीमियम का मतलब, एट डिस्काउंट का मतलब भी समझना पड़ेगा। एट पार का मतलब क्या होगा, फेस वैल्यू के बराबर, मतलब फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा, और एट डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू। मैंने बोला इशूड एट कर दूंगा 100 रुपए 5 साल के बाद, तो बताओ मैं बोल रहा हूं मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा 5 साल के बाद, तो इसको मैं रिडेम्पशन अमाउंट बोलू या इशू। रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन एट क्या है हमारा पार। यानी इससे मेरे से कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो बताओ एक बार रीड करके तो मैं बताऊंगा इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार। अगला एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 रुपए में दिया तो इशू किस पे है, एट पार, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा 105 रुपए 100 रुपए के बदले, तो 105, पहले तो ये डिसाइड करो कि ये रिडेम्पशन है 105 या इशू है। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मैंने बोला मैं आपसे 90 रुपए लूंगा 100 रुपए के बदले 90 लूंगा, तो इशूड एट डिस्काउंट, और मैं आपके वापस कर दूंगा 100 रुपए, रिडेम्पशन एट पार। कुछ बच्चों का मिला जुला आंसर आया, कुछ बच्चों का आंसर आया पार, कुछ बच्चों का आंसर आया प्रीमियम। अब इस पॉइंट को समझते हैं, पार या प्रीमियम, बेनिफिट या लॉस, हमेशा कंपेयर करोगे फेस वैल्यू टू फेस वैल्यू। क्योंकि यहां पे कुछ बच्चों का जो आंसर आया उन्होंने सोचा के 90 लिए, 90 के बदले मैं ज्यादा वापस कर रहा हूं, इसका मतलब वो हो गया प्रीमियम। ऐसा नहीं है, फेस वैल्यू हर किसी में मैं 100 ही लेके चल रहा हूं, तो जब मैं 100 रुपीज फेस वैल्यू लेके चल रहा हूं तो 100 रुपीज वाला आपका वापसी क्या होगा, अगर 100 से अवब मैं वापस कर रहा हूं तो प्रीमियम है, और 100 रुपए में कर रहा हूं तो पार है, और 100 से कम डिस्काउंट। जनरली डिस्काउंट पे अगर मैं आज ही बता दूं कि 100 दे दो मैं 5 साल के बाद 90 दूंगा तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे, तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट पे अब जनरली नहीं होता, लेकिन अगले चैप्टर में कुछ एक केस में आएगा। मैं फिर से पूछता हूं इस एग्जांपल को फिर से, मैंने आपसे 110 रुपए रिसीव किए, इसको मैं क्या बोलू, इशूड एट प्रीमियम, वापस मैं आपको करूंगा 100 रुपए, बताओ रिडेम्पशन एट पार बोले या डिस्काउंट पार, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे 100 रुपए से। अब बताना मुझे इशू मैंने आपको 100 रुपए किया, यानी मैं आपसे 100 ले रहा हूं, रिडेम्पशन मैं करने जा रहा हूं आपसे 105 रुपए, रिडेम्पशन एट पेरियम। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज होगा इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट आपका पार, इस तरीके से कुछ लैंग्वेज होगा जिस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये 105 रुपए मुझे वापस करने वाला अमाउंट है, ये 105 रुपए मैं किसके बदले वापस करूंगा, 100 के बदले। यानी आपको क्लियर पता चल रहा है कि 5 रुपए मैं आपको एक्स्ट्रा वापस करूंगा। जब मैं आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा वापस करूंगा तो आपको यह भी पता है कि मैं 5 साल, जो मैंने टेन्योर लिया एग्जांपल में, 5 साल के बाद आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा वापस करूंगा। इसका मतलब मुझे आज
ये पता चल जाता है डिबेंचर इशू करते टाइम पे कि फ्यूचर में मैं कितना रिटर्न करने वाला हूं। अगर मैं 105 में रिटर्न कर रहा हूं मैं यहां पे, तो मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे नुकसान फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि 100 के बदले मैं वापस कितना करूंगा, 105। मींस आपको फ्यूचर में लॉस होगा। ये आपको फ्यूचर में जाके 5 साल बाद नहीं पता चलेगा, पहले ही पता चल गया। तो आपने एक प्रिंसिपल, एक अजम्पशन पढ़ा होगा आपने के कंजर्वेटिव या प्रूडेंस अप्रोच, उसके अंदर क्या समझाया गया था कि अगर आपको आज पता चल जाए फ्यूचर का लॉस है, तो उस लॉस को फ्यूचर के बजाय आज ही रिकॉर्ड करना। तो बताओ जो मेरा यहां पे नुकसान दिख रहा है, कितने का नुकसान है? 5 रुपए का नुकसान है। बताओ ये जो 5 रुपए का नुकसान है, इसकी एंट्री, हम 5 रुपए की मैं बात कर रहा हूं, 5 रुपए नुकसान की एंट्री 5 साल के बाद करने वाले हैं या आज ही कर लेंगे? आज ही रिकॉर्ड होगा, एज पर जो भी हमारा अप्रोच था उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यानी इस एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल है कि जो आपका पैसे रिटर्न किया जाएगा उस चीज के बारे में हर कंपनी को पहले से पता होता तो कितना रिटर्न करेगा। अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उस लॉस की एंट्री अभी बुक करना है, उस लॉस की एंट्री अभी दिखाना पड़ेगा आपको। अभी हमने छोटे छोटे 3-4 बस पॉइंट देखे, इशू डेट पार क्या होता है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम क्या होता है, इशू डेट डिस्काउंट क्या होगा, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट प्रीमियम क्या होगा, ये पता चल गया आपको। अब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से बताना, 90 रुपए का आपका इशू है और 100 रुपए मैं आपको रिटर्न करूंगा, फ्यूचर में लॉस है या नहीं? फ्यूचर के अंदर लॉस, प्रॉफिट या कोई भी कैलकुलेशन निकालना, वो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मेरे एग्जाम्पल में कितना है? 100। फ्यूचर में मैं रिटर्न भी कितना कर रहा हूं? 100। इट मींस फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है। मैं बोलता हूं यहां पे 100 रुपए और 110 रुपए, अब फ्यूचर के अंदर कितने का लॉस है? उस 10 रुपए का जनरल एंट्री पे इंपैक्ट आएगा। अभी मैं सारे केसेस के जनरल एंट्री करूंगा, तब उसमें देखना क्या होगा। पहले ये तो पता चल जाए कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एंट्री करने वाले हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री होगा फ्यूचर से रिलेटेड? नहीं, इसमें होगा। अब बताना मुझे जरा, 110 और वापस 105 करूंगा, मुझे फ्यूचर में लॉस है या नहीं है? 5 रुपए का इसमें लॉस होगा, क्योंकि कंपेयर करो फेस वैल्यू से ऑलवेज। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे पास आया 110, रिटर्न 105 कर रहे तो 5 का फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। फेस वैल्यू से चेक करोगे, यहां पे क्या है? 5 रुपए का लॉस है, यहां पे 5 रुपए का हमारा हो गया लॉस। फेस वैल्यू हर एक एग्जाम्पल में मैंने 100 रुपए ही माना है। अब मुझे बताना, आप 100 रुपए या फिर 90 105? सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहूंगा, इशू डेट और रिडेम्पशन एट, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो बताओ, फ्यूचर में लॉस है या नहीं? लॉस है, फ्यूचर में लॉस है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, फ्यूचर में लॉस हमारा 5 रुपए का है या 15 रुपए का है? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का हमारा फ्यूचर का लॉस यहाँ पे कंसर्न किया जाएगा। यानी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हमें पता चल गया, इशू डेट पार, कब फ्यूचर में लॉस होगा, कब प्रॉफिट है, ये हमें पता चल गया। मैंने यहाँ पे लिखा है इशू डेट पार, इसका मतलब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 100 रुपए का। अब लिखा है मैंने रिडम्पशन एट, तो मुझे कितने का एग्जाम्पल लेना चाहिए, 110 का या 90 का, कितने का लेना चाहिए? 100। तो मुझे आप बताओ, ये 100 रुपए कौन से हैं, लेने वाले पैसे हैं रिटर्न करने वाले? रिटर्न। और ये कौन सा है हमारा? ये हमारा इशूड, इशूड मतलब जो पैसे हम लेंगे, रिसीव करेंगे, और ये जो हम पैसे रिटर्न करेंगे। इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट
पार। अब जर्नल एंट्री जो हमसे बोला जाएगा, हम चैप्टर जो सीख रहे हैं, चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो हमें रिटर्न कितना करना है उससे लेना देना नहीं है। वो रिटर्न जितना भी करेंगे वो चीज सीखेंगे हम चैप्टर में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, उस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं इशू की एंट्री, तो मुझे जर्नल एंट्री सिर्फ इसकी करनी होगी, इसकी नहीं करनी जर्नल एंट्री। रिडम्पशन कितना भी कर रहे हो इसका हमें जर्नल एंट्री नहीं करना। अब मुझे बताना, मैं यहां पे एग्जांपल में ले लेता हूं 105 रुपए। अब बताओ रिडम्पशन एट प्रीमियम, क्या फ्यूचर में लॉस है? मैंने अभी बोला मैं सिर्फ इसकी एंट्री करूंगा, फ्यूचर की एंट्री मैं जब पेमेंट करूंगा तब करूंगा, लेकिन इस वाले केस में इसकी एंट्री तो करूंगा लेकिन फ्यूचर वाले की भी सारी एंट्री ना करके सिर्फ किसकी करूंगा मैं, 5 रुपए का जो लॉस है बस उसकी एंट्री को मैं शो करूंगा। पेमेंट कितना हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं हमें। मैं इस दोनों एंट्री को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बताओ बैंक में पैसा कितना आएगा। अब मैं हर किसी एग्जांपल में 10% डिबेंचर होगा, मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10% डिबेंचर नहीं लगाना यहां पे, अमाउंट हमें इशू की एंट्री करवाए जा रहे हैं तो हम इशू की एंट्री करेंगे। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बस अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये भी आएगा हमारा 100। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब इस एंट्री को देखने के बाद तो रियलाइज ये होता है कि सर पिछली क्लास में भी कुछ ऐसा एंट्री हमने देखा था, तो इतनी सारी बातें बताने का फायदा क्या हुआ? इसके अंदर तो कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री के हिसाब से सीखा है। इसका इंपैक्ट इसमें नहीं दिखेगा पार वाले में, इस वाले एंट्री में दिखेगा। अब इस एंट्री को मैं करता हूं यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, अब बताओ इशू किस पे है, किस पे है, पार पे है। और बैंक में पैसा इशू वाला आएगा या रिडम्पशन वाला आएगा, इशू वाला, यानी 100 रुपए। अगर मान लो 10 डिबेंचर होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता किससे, 10 से, लेकिन मैं एक ही डिबेंचर का एग्जांपल लेके कर रहा हूं यहां पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये भी कितने से आ जाएगा, 100। बीइंग सेम एज इट इज आ जाएगा। अगले पॉइंट को बताऊं मैं, अब आपको अगली एंट्री की बात करें, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 100 रुपए। अब मुझे बताना क्या इसके अंदर रिडम्पशन किस पे है, पार पे या प्रीमियम पे, क्या फ्यूचर में लॉस है? और आपको पता होना चाहिए लॉस हमेशा होता है डेबिट, लॉस क्या होगा, ऑलवेज डेबिट। अब मैं यहां पे एंट्री करूंगा लॉस की, अब मैं यहां पे एक वर्ड लिखने आता हूं, लॉस ऑन। अब बच्चे यहां पे ज्यादातर क्या बोलते हैं कि सर लॉस ऑन रिडम्पशन, यानी हमारा लॉस ऑन रिडम्पशन, मैंने पूछा अमाउंट बताओ, चलो इतना बता दिया तो आंसर आएगा लॉस ऑन रिडम्पशन 5, लेकिन यहां पे लॉस ऑन रिडम्पशन पे होगा, लेकिन एंट्री कब कर रहे हैं, इशू पे कर रहे हैं हम एंट्री, तो या 5 साल के बाद कर रहे हैं या 5 साल से पहले कर रहे हैं, तो यहां पे लॉस ऑन रिडम्पशन नहीं लिखेंगे, लॉस ऑन क्या लिखेंगे,
इशू पे ही पता चल गया हमें, लॉस ऑन इशूड अकाउंट डेबिट, और कितने से? 5 रुपए से। यानी इस लॉस को डेबिट कर दिया, 2 10% डिबेंचर कितने का? 100 रुपए। ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा हमारा। अब 2 सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम किस पे? रिडेम्पशन के टाइम पे होगा, तो उस एंट्री को दिखाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है, सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट क्यों किया? नुकसान है इसलिए डेबिट, 5 साल बाद पेमेंट करूंगा मैं, एक तरीके से आउटस्टैंडिंग बनता जा रहा है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो मैं थोड़ा सा 5 साल के बाद की एंट्री तो वैसे अगले चैप्टर में होगा, लेकिन 5 साल तो मैं एक बार वो बताता हूं। मैं 5 साल बाद बोलूंगा कि जो डिबेंचर मैंने आपको क्रेडिट किया था वो मुझे वापस दे दो डेबिट कर कर, और जो मैं लाइबिलिटी मान रहा था अब लाइबिलिटी मेरा खत्म हो जाएगा डेबिट होकर, और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और पेमेंट पूरे दे दूंगा 105 रुपए। तो देखो यहां पे जब मैंने इशू के टाइम पे एंट्री किया तो क्रेडिट है, ये एंट्री कैंसिल होगा, कब होगा जाके? 5 साल के बाद होगा, अभी नहीं करेंगे इसको। यानी मेरा आंसर अभी फिलहाल के लिए यही है, आगे 5 साल बाद क्या एंट्री करना ये थोड़ी सीख रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो ये सीख रहे हैं कि इशू कैसे किया जाएगा। तो मेरे इस एंट्री के अंदर इशू तो पार में ही था, बस डिफरेंस ये आया कि हमें फ्यूचर वाले लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सिर्फ डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये दो एंट्री दोनों पॉइंट के लिए, तीसरे एंट्री को मैं इधर कर रहा हूं। अब इसके लिए इशूड एट डिस्काउंट, अब मैं यहां पे मान लेता हूं कि मैं 90 इसको मान सकता हूं, तो 90 में डिस्काउंट कितने का हो गया? 10 रुपए का। और रिडेम्पशन एट पार में मैं कितने मानूं? 100 ही मानना पड़ेगा। क्या मैं यहां पे 90 मान सकता हूं? नहीं। पार का मतलब ये नहीं कि जितने पैसे लिए उतने रिटर्न करना, फेस वैल्यू कंपेयर करेंगे। चलो प्रीमियम वाले में मैं कितने मान लूं? 110, 105 कुछ भी मान सकते हैं, यानी अब 100 से आपको 100 क्या है? फेस वैल्यू। इसके लिए एंट्री देखते हैं। अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, ये इसके लिए एंट्री कर रहा हूं मैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आएंगे बैंक में? 90 रुपीस आने वाला है बैंक में, और बैंक में जब 90 आएगा, और किस चीज पे आया? डिबेंचर एप्लीकेशन के 90 रुपीस मैंने रिसीव कर लिए हैं। अब डिबेंचर एप्लीकेशन के 90 रिसीव कर लिए हैं, अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर दे दो। अगर मैं आपको 90 का ही डिबेंचर दे दूं तो डिस्काउंट तो हुआ ही नहीं, मैं आपको 100 रुपए का डिबेंचर दूंगा। यानी डिबेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए का? डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपए का, और सॉरी 90 का है ना, 100 क्यों बता रहे हो, 90 होगा डिबेंचर एप्लीकेशन कितने का होगा? 90। अब बात करता हूं मेरा क्या लॉस है? है, प्रेजेंट में लॉस है, फ्यूचर में तो नहीं है लेकिन प्रेजेंट में तो है। प्रेजेंट में कितने का लॉस है? 10, और उस लॉस का नाम है डिस्काउंट। तो लॉस को डेबिट करेंगे डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू बोल सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू कितने रुपए का? ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, 10 रुपए का या 5 का, मैं ये वाला केस कर रहा हूं। तो यहां नुकसान है हमारा, ये प्रीमियम वाला नहीं कर रहा मैं, तो नुकसान कितने का है? 10 का। और ये लॉस कौन से वाला है? प्रेजेंट वाला है, फ्यूचर वाला नहीं है। अब इसके बाद अगली एंट्री, अगला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखेंगे? 2 10% डिबेंचर, और ये आ जाएगा पूरे 100 रुपए। बींग क्या रहेगा? जो फर्स्ट में बींग लिखा है, लॉस हो चाहे कुछ भी हो, बींग वही रहने वाला है। अब एक और इसके अंदर हम चाहें तो अलग तरीके से एंट्री कर सकते हैं,
जो मैंने यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू लिखा है उसे डिस्काउंट ऑन इशू के बदले लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पे आप जैसे कई बार क्या करते हो, कहीं पे भी आप पढ़ते हो या कहीं भी देखते हो, तो अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा हो तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो फ्यूचर वाले को बोला था, ये तो प्रेजेंट वाला है। मैं इसको काट के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकता हूं, मैं लिख देता हूं काट के, वही लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे लॉस ऑन इशूड, लॉस ऑन इशूड। अगर मैं लॉस ऑन इशूड की बात करूं तो ये लॉस ऑन इशूड का मतलब है, दोनों ही मीनिंग है, फ्यूचर वाले लॉस को भी मैं इसी वर्ड से बोलूंगा और प्रेजेंट वाले। इस वाले एग्जांपल में कौन सा लॉस है? ये प्रेजेंट वाला लॉस है, यानी डिस्काउंट वाला है, यानी यहां डिस्काउंट है, इसलिए मैंने वहां पे डिस्काउंट हटा दिया। अब अगली एंट्री को देखते हैं, इस वाले की बात करते हैं, इसमें तो फ्यूचर में भी लॉस है, इशू एट डिस्काउंट लॉस हो रहा है 10 रुपए का, रिडम्पशन एट लॉस हो रहा है 5 रुपए का, यानी डबल लॉस, फ्यूचर का भी लॉस और प्रेजेंट का भी लॉस। अब हमें लॉस ऑन इशू के अंदर दोनों लॉस को दिखाना पड़ेगा। अब मेरा बेनिफिट होगा इसको एक नाम लिखने से, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ बैंक में कितना पैसे आएगा? 90 रुपए बैंक में तो इशू प्राइस आएगा ना, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मुझे बताओ डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना जाएगा? ये भी 90 जाएगा, बीइंग सेम रहेगा। अब अगली एंट्री थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड है, और ये एंट्री एग्जामिनर का, जैसे कि देखा जाए दो दो लॉस है तो एग्जामिनर मैक्सिमम चांसेस है कि यही एंट्री आपसे पूछे। अब अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट कितना आने वाला है? 90। अब देखो यहां पे मैं दो तरीके से करके बताऊंगा, दो तरीके से क्या, मैं लिख सकता हूं यहां पे लॉस ऑन इशू, और मैं लिख सकता हूं डिस्काउंट ऑन इशू। अब लॉस कितने का हुआ मेरा? इशू पे लॉस बताना मुझे, ये डिस्काउंट, डिस्काउंट तो 10 है और ये 5 है, यानी मैं ऐसे कर सकता हूं कि डिस्काउंट वाले को डिस्काउंट में लिख दिया और लॉस जो फ्यूचर का उसको लॉस से। अब मैं इस एंट्री को दो करने के बजाय मैं एक एंट्री में भी कर सकता हूं इसको, मैं इकट्ठा सिर्फ लिख दूं लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कितना, डायरेक्टली मैं इसे 15 कर देता हूं। तो अब आपके माइंड में ये मत समझना कि एग्जामिनर को आ रहा है नहीं आ रहा, उसे सब आता है, बस आप देखो, आपको पता चलना चाहिए कि इसके अंदर दो तरीके के लॉसेस इंक्लूडेड है, एक प्रेजेंट वाला लॉस जो कि 10 रुपए डिस्काउंट वाला है, एक फ्यूचर वाला लॉस जो कि कितने वाला है? 5 रुपए का फ्यूचर। अब मैं करूंगा यहां पे टू, टू में क्या आएगा? टू 10%, 10% डिबेंचर 100 रुपए, ये तो 100 रुपए रहेगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन, मैं कितने शेयर डिबेंचर से सारे आंसर कर रहा हूं? एक डिबेंचर, अगर मान लो एग्जामिनर बोलता है 150 डिबेंचर है तो मैं सब 150 से एंट्री करके यहां पे कर दूंगा, यानी इसका भी केस कर लिया मैंने, ये केस नंबर 1 के लिए, ये 2 है, ये केस नंबर 2 के लिए, ये 3 है, ये एंट्री केस नंबर 3 के लिए, ये 4, ये एंट्री केस नंबर 4 के लिए, फिफ्थ और फाइव मैं यहां कर रहा हूं, केस नंबर, हाँ फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ और सिक्स। अब इशूड मैंने हेडिंग देखो क्या लिखा है, यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 100 रुपए क्या लिख सकता हूं? 90 नहीं लिखा जा सकता, 110 सपोज करो मैंने लिख दिया, 110 के बाद रिडेम्पशन एट पार 100 रुपए, फ्यूचर में मेरा यहां पे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं है,
प्रेजेंट में हमारा प्रॉफिट है। प्रेजेंट का तो सिंपल एंट्री होना है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बताओ 110 रुपए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 रुपए। अगली एंट्री ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन और टू 10% डिबेंचर 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए। यानी ये एंट्री तो नॉर्मल एंट्री हो गया, सारी एंट्री नॉर्मल एंट्री ही है जिसमें फ्यूचर के अंदर प्रीमियम पेमेंट किया जाएगा, बस उसके अंदर एक्स्ट्रा एंट्री आने वाला है। बाकी जितने भी एंट्री किया, देखो ये पार का था फ्यूचर में सिंपल एंट्री था, ये वाला कॉन्सेप्ट पार का था बिल्कुल सिंपल एंट्री, ये वाला प्रीमियम में डिफरेंस आ गया, इस वाले में पार में सिंपल। अब इस वाले एंट्री में दिखेगा आपको फ्यूचर का लॉस, यहां पे मैं डाल देता हूं सपोज 105 रुपए, बताओ फ्यूचर में लॉस है या नहीं है। अब जिस बच्चे को लगता है कि भाई 110 लेके मैंने 105 वापस करना है तो फ्यूचर में फायदा है, तो वो गलत है। यहां पे कंपेयर किससे करेंगे, फेस वैल्यू से। अगली एंट्री केस नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। इसके बाद की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन 110, लॉस है या नहीं है, लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन पांच रुपए और टू 10% डिबेंचर और टू 10% डिबेंचर लिख दिया। अब आ गया दिक्कत, सिक्योरिटी प्रीमियम दो दो इशू वाला भी, तो आप एक ही सिक्योरिटी प्रीमियम लिख करके भी कर सकते हो, और चाहो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम एक लिख सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से वाला, ऑन इशू पे, जो कि मैं लिखूंगा 10 रुपए, और एक लिखूंगा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से वाला, ऑन रिडम्पशन, जो आ गया 5 रुपए। तो ये जर्नल एंट्री हमारा हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर सबसे मेन कौन कौन सा, एक ये पूछ सकता है, एक ये केस पूछ सकता है, और एक ये, यानी जिसमें फ्यूचर में लॉस है वो केसेस एग्जामिनर पूछ सकता है।